चलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन माय डियर, सबको पता है क्या होता है, क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? हु इज कंज्यूमर? हाँ, हम सब कंज्यूमर ही तो है, केवल कहता हम सब कंज्यूमर ही तो है। ओके, मान लिया तू कंज्यूमर है, मैं कंज्यूमर हूँ, और क्या मानूँ? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात क्यों की जा रही है पहले वो समझने की जरूरत है, ठीक है माय डियर बछड़ास? हाँ, बछड़ा बोलना जरूरी है। तुमको पता पहले जमाने में क्या होता था? कंज्यूमर मतलब कौन, कुछ लेना देना नहीं था। जो पुराने लोग थे ना, जो पुराने ट्रेडर्स थे, पुराने बिजनेसमैन थे, जो मार्केट को पूरी तरीके से अपने पास रखना चाहते थे, पूरे मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे, वो क्या करते थे? वो सेलर या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते थे? वो प्रोडक्ट बनाते थे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और उस कन्वीनियंस को कंज्यूमर के कंधों पर डाल दिया जाता था। अब कंज्यूमर को जैसा ठीक लगता वो करता था उसके साथ। जैसे अनाज है, आपने पुराने ज़माने के जितने भी पुराने पुराने पिक्चरें देखी होगी 70s 80s 90s में, वहाँ पर हर दुकान चलाने वाले को लाला कहा जाता था, लाला या सेठ जी। और वो लाला और सेठ जी जो होता था ना, वो चावल में कंकड़ या कंकड़ में चावल मिलाकर बेचता था। देखा है कि नहीं पुरानी पिक्चर, राजेश खन्ना या फिर जितेंद्र टाइप की जो पिक्चरें होती थी। लाला मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ चावल की जगह पर कंकड़ मिलते हैं, ऐसा कहा जाए कि तुम्हारे कंकड़ में चावल मिलते हैं, इस तरीके के डायलॉग बाजी होती थी। और जो सही भी पुराने ज़माने में उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको वो सीधा बोलते थे लेना है कि तो लो, नहीं तो चलते बनो। उसके अलावा जो घासलेट होता था वर्ल्ड कप के जैसा होता था, वो पिक्चर देखा ना नायक पिक्चर, वैसा, मतलब उनको कंज्यूमर के से लेना देना नहीं था। तो ऐसा टाइम आया कि भाई कंज्यूमर को कोई पूछ भी नहीं रहा है, हर सेलर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता था, हर अपने हिसाब से बेचने की कोशिश करता था। उसका मन किया तो दूध में पानी मिलाता था, और उसका मन किया तो पानी में दूध मिला के बेचता था। मिलावट वगैरह का सुना है ना, ये सब वही वैसे ही होता था। लेकिन तब ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, कंज्यूमर एक ऐसा बंदा है जिसको कस्टमर कहते हैं। पुराने ज़माने में कस्टमर कहा जाता था, जो कष्ट से मर जाता उसको कस्टमर कहा जाता है, ऐसा माना जाता था वो टाइम पे। सिर्फ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट वो सिर्फ थियोरी में होता था, एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता था। बट जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उस दिन से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कंज्यूमर के फेवर में सारी चीज़ें आ गई। आज जब कंज्यूमर चाहे तो कोई प्रोडक्ट को हाँ कह सकता है, कोई प्रोडक्ट को ना भी कह सकता है। कंज्यूमर चाहे यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कंज्यूमर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्ट बनाया जाता था फिर कंज्यूमर के सामने रखा जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने ज़माने के फ़ोन्स वगैरह देखा तुमने? देखा है फ़ोन, बड़े बड़े फ़ोन्स होते थे, वो इनोवेशन था, फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन की डिज़ाइन वगैरह लाकर लोगों के सामने रख दिया गया कि यह कम्युनिकेशन के लिए आपको काम आएगा। लेकिन आज वैसा नहीं है, फ़ोन उठाकर लाया तो जाता है, लेकिन वो आपके स्पेसिफिकेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। यानी यहाँ पर कंज्यूमर को ध्यान में रखकर उस प्रोडक्ट को, उस मोबाइल को, उस लैपटॉप को, उस कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। तो आज के टाइम में कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ साथ कंज्यूमर को कहा गया है कि अगर आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, अगर आपके अधिकारों को यहाँ पर किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, या आप अपने अधिकारों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सेलर के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी से अपना ये चैप्टर जो है वो 17 मार्क का चैप्टर है, जो 7 मार्क के लिए कम से कम है, जिसमें से आप सभी को पता है दो क्वेश्चन तो कंफर्म है, एक आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन और एक आपका शॉर्ट आंसर। डिस्टिंग्विश का है तो स्टेट कमीशन,
नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, और शॉर्ट आंसर कहे तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, समझा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में केस स्टडी वगैरह में पूछा तो वो 17 मार्क पहुंच ही जाएगा। तो चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या अधिकार है भाई साहब? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो बंदा है जो चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है और जब चाहे वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए कंज्यूमर के लिए क्या क्या है, कुछ अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए। पहला अधिकार क्या है सर? राइट टू सेफ्टी। वो जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, जैसे हम भी है, हम भी चाहते हैं कि हम जहां पर पिज्जा खाने खड़े हुए हैं या जहां पर पिज्जा जाके खा रहे हैं, सैंडविच जहां पर खा रहे हैं या जहां पर हम दो वक्त का खाना खा रहे हैं, अगर हम किसी दो होटल में जा रहे हैं, कहीं पर ठेले पे खड़े हो गए, तो हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट हमको जो मिले वो हमारी जान के लिए क्या हो, सेफ हो। अगर वो मेरे लिए सेफ नहीं है तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा क्या? नहीं। तो वहां पे दुकान वाले, देखो तुमको लगता है सेफ है तो खाओ, नहीं है तो निकल जाओ, ऐसा नहीं बोल सकता वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। राइट टू सेफ्टी के अंडर आपको चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज को आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको क्या दे, सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कौन सा ब्रांड है, ठीक है। कुछ उससे लेना देना नहीं है, बस वो प्रोडक्ट उसको क्या देवे सर, सेफ्टी देवे। अब सेफ्टी दो तीन तरीके से होती है। एक होती है हेल्थ वाली सेफ्टी, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल सेफ्टी, है ना, और एक होती है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी इन द सेंस बैकअप, क्या होता है बैकअप। मानो मैं दवा खा रहा हूँ, गया वहां पर उसने मुझे एक्सपायरी दवा दे दी, राम राम सत्य हो गया, तो हेल्थ से तो मेरा खिलवाड़ हो गया ना। अब मेरी फैमिली वाले को पता चला कि जो दवा खाया गया है वो क्या है, एक्सपायरी वाली थी, वो जाकर क्या करेंगे, केस करेंगे। तो वहां पर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पर देखा जा सकता है कि नहीं सकता, तो मेरा वो अधिकार है भाई, मेरी जिंदगी पे बनी है। मैं अगर, तुमने सुना है फूड पॉइजन हो जाता है, कोई खाना वगैरह खाने का अगर आपको फूड पॉइजन होता है, हो जाता है, तो अगर आपके आपको लगता है वो सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं कि फूड पॉइजन हुआ है, तो अगर आप चाहो तो जिस वेंडर के यहाँ से वो खाना आपने खाया है उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, समझा। क्यों? क्योंकि वो आपके राइट टू सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है ना। आप लोगों ने देखा ये राइड्स वगैरह रिसोर्ट वगैरह में जाते, पता वहां पे जो राइड्स आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो राइड्स जाते हो, उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया? हाँ बिल्कुल किया गया। कोई बंदे को ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, उसको बोला गया बेटा जाने के टाइम पे वो रहते हैं ना उधर गार्ड्स रहते हैं ना, बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करके जाओ, ठीक है, पैर को ऐसा वो ऐसा क्रॉस करके जाओ, ठीक है, मुंडी ऐसा पूरा ऐसा। लेकिन अपने अंदर है माने सुलेमानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, सब कीड़े होते है ना, सब कीड़े होते। नहीं, नीचे लड़की खड़ी, गर्लफ्रेंड खड़ी है, गर्लफ्रेंड मेरी जान नीचे खड़ी है, तो क्या करता है उसका ध्यान भटका, ये बंदा मुंह इधर पैर पीछे, हू ला 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 हू ला ला रे, ठीक है, और क्या हो गया, नीचे जाने का सीधा पानी इधर ढाप, ठीक है, लगा नीचे गया, बस सक्सेसफुल उठा, बेबी 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 बोली लाल लाल टमाटर, खून निकला ना। अब वो मेडिकल टीम के पास गया, मेडिकल टीम ने पूछा कैसे आया, अब तो रिसोर्ट वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते। अब वो बोलेगा कैसे आया, बोला वो सर राइट से गिरा, बोला राइट से गिरा मुंह पे, तो डिटेल में एक्सप्लेन करो, डिटेल में। तो उसको बात करने लगे डिटेल में, तो उसको पता चला ये बंदा ऐसे की जगह पे ऐसा उतरा है, बस है ना। तो यहां पर आपकी सेफ्टी के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए गए,
अगर आप वो सेफ्टी गाइडलाइंस तोड़कर जाते हो तो सेफ्टी यहाँ पर कंज्यूम जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपका कुछ भी का आप उसके ऊपर वो केस भी करेगा ना, तो वो कुछ नहीं जीत जाएगा, वो बोलेगा भाई हमने सेफ्टी मेजर्स कहा था उसने फॉलो नहीं किया, तो उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। इसलिए कहा जाता है राइट टू सेफ्टी इज आर वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर अपनी तरफ से सतर्क होना चाहिए, प्रोड्यूसर अपनी तरफ से सतर्क होना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब बोलते ना कैडबरी, दुकान पे बेचने वाला बंदा सही तरीके से उसका पैकेजिंग वैकेजिंग करके आता है, फ्रिज में बकायदा रखता है, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ क्या है प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंज्यूमर घर पर ले जाने के बाद उस रैपर को खोलता है, एक बाइट खुद खाता है, एक डार्लिंग को खिलाता है और रख खोला रख के छोड़ देता है। अब उसमें चींटी भी आएगी, कीड़ा भी आएगा, मकोड़ा भी आएगा, सब कुछ आएगा, और जब वापस उसको खाने का मन जाए इसमें कीड़ा निकला, नहीं मैं कैडबरी के ऊपर क्या करूँगा, केस कर दूंगा। कैडबरी वाला भी पागल नहीं है, करोड़ों की कंपनी लेके बैठा है, तो वो बोलेगा ठीक है केस तो है, चलो मैं मान लेता हूँ केस तुमने किया, हम कोर्ट में जाएंगे भी। कैडबरी का सैंपल मंगाएगा, वो कहाँ रखे थे, क्या किस सिनेरियो में रखा था। हम तो अपनी तरफ से सतर्क है, लेकिन कंज्यूमर अपनी तरफ से सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी यहाँ पे कंज्यूमर की सेफ्टी की जो जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है, मैन्युफैक्चरर की है, सेलर की, उतनी ही अधिकार, उतनी ही जिम्मेदारी किसकी है, कंज्यूमर की खुद की भी है कि भाई जैसा बोला जाए वैसा इस्तेमाल करो, वरना आपके लिए तकलीफ हो सकती है। हजार्डस ना होना, बस ये केमिकल वगैरह का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अभी टॉफीज वगैरह खाते कि नहीं, उसमें जो कलर वगैरह पड़ता है वो क्या है, हजार्डस ही है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि जो भी कलर डाले जाए वो नेचुरल कलर हो, या कलर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आपको आकर्षित करने के लिए जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके जान के ऊपर भी बन सकती है। तो प्रोड्यूसर ऐसा नहीं चाहता कि कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर ही भगवान है, तो कंज्यूमर के ऊपर क्या एक अधिकार है कि भाई साहब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर आपको लगता है कोई प्रोडक्ट है जो आपकी सेफ्टी के साथ नहीं है, सेफ्टी मेजर के साथ नहीं है, तो आप उसके ऊपर केस वगैरह भी कर सकते हो। एक सबसे बेस्ट बताता, अभी बीच में तुमने इंडिगो एयरलाइंस का नाम सुना है, बीच में रिसेंटली केस हुआ था जहां पे उनका विंडो वगैरह ब्रेक हो गया था रास्ते में, मतलब हवा वगैरह सब विंडो विंडो टूट के हाथ में आ गया, सब पैनिक हो गए। तो ये भाई इंडिगो की लापरवाही है कि उन्होंने कंज्यूमर की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, तब इंडिगो के ऊपर क्या लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, केस भी ठोका जा सकता है कि आपने राइट टू सेफ्टी का उल्लंघन किया। सेकंड क्या बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ कंज्यूमर, मेरे पास उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होनी चाहिए, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, कब पैकेजिंग हुआ है, उसका लॉट कौन सा था, कंपनी कौन सी है, बनाने वाली कंपनी कौन सी है, मार्केटिंग करने वाली कंपनी कौन सी है, उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कस्टमर केयर की सर्विसेज क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल हो, सारी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। कैसे मिलेगी, उस प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर, दैट सेट। हम कैडबरी खाते उठा के खा लेते, पर इतना ब्लू कलर के रैपर में क्या क्या लिखा होता है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। थर्ड, राइट टू चूज। कोई भी बंदा जब कंज्यूमर कोई भी सामान खरीदने के लिए जाता है तो कोई उसको क्या फोर्स नहीं कर सकता कि सर ये खरीद लो, बहुत अच्छा लग रहा है खरीद लो। अरे भाई मेरे को नहीं खरीदने का है, तुमने ना वो बागबान पिक्चर देखा है, वो बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान वाला पिक्चर, हाँ अमिताभ बच्चन वाला, जो आज की जनरेशन माँ बाप के साथ देखना नहीं चाहती है, माँ बाप ऐसा देखता है तू ऐसा करेगा मेरे साथ, बैठालता है फिर से लग गया, अब मेरे पापा तो पक्का देखेगा और वो चार नालायक बेटों में मेरे को भी पाएगा। पापा हम बोलते नहीं पापा मैं सलमान खान बनूंगा, मतलब तू शादी नहीं करेगा, नहीं पापा वो पिक्चर वाला सलमान खान बनूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपको माता पिता परमेश्वर मानूंगा। पापा बोलते हैं नहीं तेरी हरकत अमन चोपड़ा जैसी है, ऐसा आएगा।
तो ऐसा तो वो उसमें देखा है, गाड़ी खरीदने के गाड़ी का टेस्ट ड्राइव उसको जबरदस्ती चिपकाता है, गाड़ी ले लो टेस्ट ड्राइव ले लो टेस्ट ड्राइव। जब वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है नहीं खरीदना है, तो भी उसको चिपकाया जा रहा है, लोन ले लेते हैं, ये ले लो वो ले लो फलाना ले लो बिस्ताना ले लो, वो करते रहते हैं, बोलता है नहीं लेना है नहीं लेना, तो उसको धक्का मार देता है। यानी एक सेलर उसको जबरदस्ती कर रहा है, तो कंज्यूमर के पास वो अधिकार है कि वो उसको डिनाई कर सकता है, फोर्स कर नहीं सकता कोई उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसके पास अधिकार है खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये ज्यादातर महिलाओं में पाई जाने वाली चीजें हैं। क्यों महिलाएं? क्योंकि हमने सुबह ही डिस्कस किया, महिलाएं दो तरीके की होती है, अच्छी और बहुत अच्छी। इनके खून में, रक्त के हर एक कण कण में एक क्वालिटी होती है, बार्गेनिंग, है ना, एक बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करवाती है, और दूसरा होता है अपना चूजिंग, दुकान पे जाने का एक दो तीन आंदे आंदे, ठीक है, आने के बाद उसमें से कुछ खरीदना, चूज करना, एक दो तीन खरीदना है क्या, देखेंगे 24, नहीं पसंद है अंकल आपके पास कलेक्शन नहीं है, अभी मैं दूसरे दुकान जा रही है, अगर उधर से पसंद नहीं आया तो आपके दुकान में दो चार पीस मैंने देख के रखा है। बट औरतों से पंगा भी नहीं लिया जा सकता, राइट टू चूज। अगर वो समझ ले दुकान वाला बोला नहीं मैडम इतना टाइम पास कर, अंकल बेचने का, आप ऐसा धंधा करते हैं? ऐसा धंधा करते हैं, कंज्यूमर को बोलते हैं, कस्टमर को तुम ऐसा बोलते हैं? अगर आपके यहाँ पे पहले कलेक्शन अच्छा रखो, कलेक्शन सब बाबा आदम जमा मेरी दादी आई होगी तभी ये कलेक्शन देखा होगा उसने, तो नोबडी कैन फोर्स हिम और हर कि भाई एक प्रोडक्ट खरीद ही लो, क्यों, राइट टू चूज। नेक्स्ट क्या बोलता है, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर जैसे प्रोडक्ट लेकर आया, प्रोडक्ट लेकर आने के बाद अच्छा बुरा कुछ तो हो सकता है, अच्छा है, अरे क्या आपका प्रोडक्ट बहुत सही था, अच्छी क्वालिटी का था, तो थैंक यू बोलेगा, अंकल आपके प्रोडक्ट में ना डिफेक्ट है, डिफेक्ट, तो कंज्यूमर क्या बोलेगा, डिफेक्ट है बोला, सेलर क्या बोलेगा, ठीक है लाके दो, वो डिनाई नहीं कर, नहीं हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। हर कंज्यूमर का राइट है कि वो कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय मशवरा शेयर कर सकता है, कुछ सजेशंस वगैरह शेयर कर सकता है, कंप्लेंट भी डाल सकता है, और कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिया राइट टू बी हर्ड, उसकी सुनी जानी चाहिए, अगर नहीं सुनी गई है तो वो आगे जाकर कंज्यूमर फोरम वगैरह में जाकर केस वगैरह भी कर सकता है, समझा। राइट टू सीक रिड्रेसल, भाई साहब आपकी समस्या तो पता चल गई, बट उस समस्या का निवारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी हमने आप कंपनी के पास प्रॉब्लम तो पहुंचा दी, बट उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सिक रिड्रेसल का मतलब वही होता है, जैसे आईफोन हो गया, आईफोन का कंप्लेंट लेकर जैसे मुकेश अंबानी के केस में हुआ है, एक बार मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया होगा, मुकेश अंबानी के पास आईफोन है, उसने बोला कि थोड़ा सा चार्जिंग वगैरह इशू है, तो आईफोन वाले ने बोला सर नहीं हम लोग ये सब कवर नहीं करते हैं, चार्जिंग वाला वारंटी पीरियड में आता नहीं है। तो अगर अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी चाहता तो 10-12 हज़ार उसके लिए कोई बड़ी बात, कर दिया उसने केस, क्यों, क्योंकि भाई हम आपके पास समस्या लेकर गए थे, आप उस समस्या का निवारण दो, अगर आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस वगैरह कुछ तो करो, बाद में आप बोलते हैं हम कस्टमर फीडबैक के लिए हम वेट कर रहे हैं, कस्टमर जब अपनी बातें आपकी फीडबैक के लिए आ रहा है, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो हाँ बोलेगा, जिसको बुरा लगेगा वो बोलेगा सर मेरे को 2024 की तैयारी कर रहा था, आप 2023 में क्यों पढ़ा रहे,
कुछ भी हो सकता है ना भाई, अलग अलग लोगों अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सबके इंसान के अंदर है, वो अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस कर रहा है वो चीज़ों को, अच्छी बातें और बुरी बातें। अभी जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद बीच में किसी ने बोला सर वो ये सब फालतू गिरी छोड़ो, आप मेरे को आना स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम पढ़ाओ। भाई तेरे हिसाब से नहीं पढ़ाएगा मैं, तू ये बोलता सर थोड़ा स्पीड है, फास्ट है, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, तो समझ सकता था ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई फास्ट पढ़ाना है, तो फास्ट पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाता, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट राइट टू सेट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सिक्योरिटी, राइट टू बी कंज्यूमर, राइट टू बी, राइट टू बी हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है हो गया। हाँ ठीक है, स्लो पढ़ाना तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, ये हो सकता है ना। लेकिन तू बोला नहीं सर ये स्किप ही करो, मेरे को यही सीखने का खाली। भाई तेरे हिसाब से नहीं चलने वाला, तुम तुम दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद बोले कि एप्पल का मुझे फोन दिखाओ, वो एप्पल का दिखाओ, बोलो ये लोगो चेंज करो, इधर बनाना होना चाहिए। नहीं चलेगा ना भाई, आप सजेशन दे सकते हैं, यू कैन सजेस्ट, आप सजेशन दे सकते हो। कस्टमाइजेशन करवाना तो आपको कंपनी के हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा, और हर प्रोडक्ट कस्टमाइज होता है क्या, सिंपल सी बात है ना। कप देखा, कप कप के ऊपर प्रिंटिंग वगैरह होता है, टी शर्ट पे प्रिंटिंग होता है, आप टी शर्ट प्रिंटिंग वाले के पास जाओगे, उसके साथ बैठ के आपको डिजाइन वगैरह बनाना पड़ेगा, एंड फाइनली वो प्रिंटिंग के लिए जाता है। अब प्रिंटिंग होने के बाद आप बोलेंगे नहीं भाई ये प्रिंटिंग मैं लेगा नहीं क्योंकि तुमने मेरे को डिजाइन दिखाया, तो ऐसा भाई तेरे सामने प्रिंट कराया है, तुमको लिखवाना था सैंटा क्रूज, ठीक है तुम्हारे सामने डिजाइन बनाया है, तुम बोले हाँ मैं 12वीं तक पढ़ा है, खत्म। जब बाकी सब ने देखा अरे भाई साहब तुझे तूने सी की जगह पे के करवाया है, तो तुम उसको जाके मना कर सकते हैं क्या, नहीं भाई ये ले ले भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तू सी लिख के दे। भाई तूने तेरे सामने डिजाइन विजाइन बनाया ना, तो कुछ चीजें कंट्रोल में की जा सकती है, कुछ चीजें नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो आपकी बात को मना कर रहा है, He is not denying कि प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, है, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों हुई है, आपके साथ बैठ के मैंने डिजाइन बनाया था ना, आपने अप्रूवल दिया है उसके बाद मैंने बनाया है, अगर बिना अप्रूवल के वो छाप देता तो गलती उसकी होती। इसलिए मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो डे डेट टाइम एंड प्लेस ये चार चीजें क्या होती है किसी भी इवेंट में इंपॉर्टेंट होती है, और ये चारों चीजें क्या होती है लिखित तौर पे नहीं बता देगा कि भाई कहां पर, जैसे आप लोग एक जगह का नाम बताता हूं, वो जगह जैसे औरंगाबाद है, मैंने किसी को पूछा कहां रहते, बोले औरंगाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। अबे भाई बाकी का एड्रेस कौन बताएगा, अगर मेरे को केवल के घर पे जाना है, केवल अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया, केवल मैं क्या अहमदाबाद आ रहा हूं, तो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है सर आ जाओ। अभी भाई उसके बाद क्या करना है, तो ही इज नॉट डिनाइंग कि वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो यहां पर कंज्यूमर अगर सेलर के पास जाकर कोई चीजें बता रहा है तो उस समस्या का कुछ तो निवारण होगा, अगर उस समस्या का निवारण, उस समस्या का सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर सेलर नहीं दे सकता तो आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा प्रोडक्ट। इसमें एसुस का नाम बहुत ज्यादा आता है, अगर एसुस के पास कोई लैपटॉप या मोबाइल जाता है और उस लैपटॉप या मोबाइल की वारंटी है या नहीं है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनता इनसे, तो ये क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को ही चेंज करके दे देते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, कंज्यूमर अपना फीडबैक देगा चाहे वो पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे। पॉजिटिव दे रहा है तो अपनी पीठ थपथपाओ, नेगेटिव दे रहा है तो उस पर सोचा जाना चाहिए कि उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में किसे कन्वर्ट किया जाए, समझा। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, कभी कभी क्या होता है कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, कंज्यूमर को उसके बारे में ज्यादा पता होता नहीं है, तो आप कंज्यूमर को क्या करो एजुकेट करो। जैसे ये पैनल है, पैनल के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता है,
तो जो टीम आती है वो टीम इंस्टॉल वगैरह करने के बाद बताते सर इसको ऐसा लिखने का, ये नोट पे लिखो वो लिखो, सर ये पेन इधर है, रबड़ इधर है ना, आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे एक्सपोर्ट। तो कंज्यूमर एजुकेशन इज द मस्ट। किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में पता कर कर उसको एजुकेट करना पड़ेगा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर आपका रिस्पेक्ट करेगा, समझा। और अगर वो नहीं करे तो आप उनसे डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे को ट्रेनिंग दो देते। तो कंज्यूमर दुकान पे जाते हैं मोबाइल खरीदने का तो उसको पूछते ना भाई साहब ये किधर है उधर किधर, वैसा कंज्यूमर एजुकेशन इज मस्ट। ये आपका अधिकार है कि कंज्यूमर को एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कंज्यूमर रहता है उसके आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए। कोई कंपनी ग्रोथ के नाम पर, कोई कंपनी ग्रोथ के नाम पर वहां के झाड़ को काट कर कॉन्क्रीट की बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डेवलप, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट। कंज्यूमर बोलता है कि अगर ये कंपनी हमारे एरिया में आती है, हमारा सपोर्ट तो डेवलपमेंट वगैरह करती है तो हमारा बेनिफिट है। एग्री, कंज्यूमर बोलता है, कंज्यूमर चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचे वो अच्छा हो, यूजेबल हो, अच्छा इस्तेमाल करने लायक हो, लेकिन वो साथ ही साथ क्या हो, हेल्दी यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया लेकर आते हैं ना घर में, फिर एक दिन के बाद, कोई ढाई दिन के बाद, कोई पाँच दिन के बाद, कोई सात दिन के बाद, कोई दस दिन के बाद, कोई ग्यारह दिन के बाद, कोई इक्कीस दिन, कोई चालीस दिन के बाद विसर्जन करने जाता है, जाते हैं ना। तो विसर्जन करने के बाद उसका क्या होता है, बीएमसी, दूसरे दिन जाके बीच पर जाके देखो। तो इसलिए कहा जाता है ना कि वी आर द कंज्यूमर। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गणपति बप्पा मोरिया को हम लोग, हम ये नहीं बोल सकते कि गणपति बप्पा वो भगवान है, तो हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन उसको फिलहाल हम घर पे लेकर आ रहे, उस मूर्ति को घर पर लेकर आने के लिए आस्था से लेकर आ रहे, तो उसके लिए पैसे भी तो लेता है वो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कंज्यूमर ही हुए आइडॉल के, है ना, मूर्ति के हम कंज्यूमर ही हुए ना एक एंटीनलेस। अब वो आने के बाद हम इतनी श्रद्धा से उसका सेवा वगैरह करते हैं, और सेवा करने के बाद जब उसका विसर्जन करने के बाद जब वो मूर्ति बाहर आती है, पैरों पे लगती है, अच्छा लगता है क्या? तो इसीलिए कहा जाता है इको फ्रेंडली, है ना। साड़ू मिट्टी की लेकर आओ या फिर लाल मिट्टी की लेकर आओ या इको फ्रेंडली गणपति आप लेकर आओ, ताकि डिजॉल्व हो जाए, आपको विसर्जन पे खर्चा करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में एक मिट्टी लाल मिट्टी का लेकर आ जाओ, पानी में डालो वो मिट्टी भर, उसके बाद एक पौधा लगा दो। बोलते क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं हमारी आस्था भी बने रहे और एनवायरनमेंट भी क्या हो, हेल्दी, समझा। तो ये राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट में आता है कि भाई हमें कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर एक सेंसेबल इंसान होता है। कोई भी हरा गहरा नत्थू कहरा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी ऐसा रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, सोच समझ के प्रोडक्ट लेता है ना। अगर उसको एक वड़ा पाव भी खाना है ना, तो हर जगह का नहीं खाएगा, वो सोच समझ के खाएगा कहाँ पर खाना है कहाँ पर नहीं खाना। तो इसीलिए हेल्दी एनवायरनमेंट के जैसा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कंज्यूमर के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पक्का? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट था, वो मैंने करा दिया। अभी सेकेंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, दो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो करना है करो, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप पर डिपेंड। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर वगैरह भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा करेंगे ना, तो उसमें भी डिस्कस करो, लेकिन फिलहाल रिवीजन मतलब मेन मेन क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में मिलेगा, इसीलिए देखो पूरा ब्लैंक रखा ताकि हम लोग सब लोग डिस्कस करके उसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, आपको एक मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अरेंजमेंट, अरेंज द ऑर्डर बोलता है ना, तो पहला ऑर्डर क्या है, डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, तीसरा, क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टैब्लिशमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट कमीशन का भी कौन करता है? और नेशनल कमीशन का? सेंट्रल। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, चालू कौन, डिस्ट्रिक्ट फोरम चालू कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम की स्थापना कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल भी। और ज्यूरिडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट फोरम का ज्यूरिडिक्शन क्या होता है सर? डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कमीशन का और सेंट्रल का? नेशन, पूरा देश। क्लियर है? प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट कहाँ का जज होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। स्टेट कमीशन का? हाई कोर्ट का जज। और नेशनल का? सुप्रीम कोर्ट का जज। क्लियर है? ये ऐसा लिखवा रहा है, इसका मतलब आप इसको डिस्टिंग्विश के तौर पे भी क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। फिर क्या बोलता है, मेंबर। डिस्ट्रिक्ट फोरम में टोटल कितने मेंबर होते हैं? थ्री, प्रेसिडेंट को मिलाकर तीन। स्टेट कमीशन में फाइव, नेशनल में भी फाइव, पांच मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। कंप्लेंट लिमिट यहाँ पे लेस देन वन करोड़, लेस देन वन सीआर। अगर एक करोड़ से लेके दस करोड़ तक की बात है तो, और दस करोड़ क्रॉस है तो नेशनल कमीशन। क्लियर है? और लास्ट टर्म, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो भी प्रेसिडेंट या होता है उसके कितने टर्म्स होते हैं, मैंने एज, एज लिमिट। पहला साल तो, पहला तो फाइव ईयर सबका है, ये है ड्यूरेशन, ड्यू पीरियड। अब आ गए प्रेसिडेंट की एज या मेंबर की एज की बात, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एज क्या है? 65 ईयर एज लिमिट, विच एवर इज अर्लियर। स्टेट कमीशन में 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और नेशनल में 70 होगा। प्रेसिडेंट 67 मेंबर का, 70 प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये एज लिमिट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एज लिमिट में बहुत गोची होता है। मानो एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसको मैंने अपॉइंट किया 2023 में, 23 में अपॉइंट किया, तो 5 साल बोले तो कितना, 2028 में रिटायरमेंट है। सिंपल है, ये है उसकी पीरियड ऑफ अपॉइंट, ये इतना साल वो 2028 तक रहेगा। बट जब उसको मैंने अपॉइंट किया ना, तो उसकी एज 62 इयर्स है। कितना? 62। मान लो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपॉइंट हुआ है, तो 62 प्लस 5 क्या, तो 67 चलेगा क्या? नहीं, उसकी एज 65 तक ना, मतलब 65 मतलब 2023 से 38, तो 2025 और 2028, ये ऑफिशियल होना चाहिए था, बट ये उसकी एज लिमिट के वजह से हुआ ना, तो दोनों में से पहले क्या है, तो इसको रिटायरमेंट 2025 में ही दे दिया जाएगा। समझा? एज लिमिट भी मैटर करता है, रिटायरमेंट आपको कब मिलेगा, आपकी एज के हिसाब से या तो आपके टर्म पीरियड के हिसाब से, टर्म के हिसाब से है और आपकी एज, दोनों में से जो सबसे पहले होगा उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट मिलता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ना, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, सुना है क्या? कंज्यूमर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। पहला कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ? राइट टू यूज इट्स राइट।
राइट यूज ऑन राइट, यानी कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर के पास पर सबसे पहला तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार है और उस अधिकारों को उसे क्या करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है। राइट टू, ये सुना है हमने, हमने अभी जाके किसी दुकान पे जाओ मिल्क शेक पिया अच्छा नहीं लगा, सजेशन देना, तुम सजेशन दे सकते है ना, वो सुनेगा, अगर वो चढ़ जाए तो समझ जाने का तुम्हारे पास भी अधिकार है बोलने का, सुनने का, है ना, चूज करने का। वो तुमको भगा नहीं सकता है। केक शॉप पे जाते हो, ऐसा केक रखा रहता है, आप उसमें से चूज करते हो, डिस्कशन करते हो, उसके बाद एक फाइनली उसमें से क्या करते हो, एक चूज करते हो। तो आपको पहले आपके खुद के अधिकार क्या होने चाहिए पता होने चाहिए, समझा। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस, कॉशियस कंज्यूमर क्या होता पता है ना, क्या बेटा, केयरफुल कंज्यूमर। लेने के टाइम पे सब कुछ उसको, जैसे जीन्स खरीदने के लिए हम लोग किसी मॉल में चले गए तो मॉल से निकलते से बिल लेना है, फिट घर पे गया फिटिंग विटिंग नहीं हो तो लाके रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? कर सकते हैं। मॉल वाला बोला नहीं होएगा, बाय बाय बाय, तू फंस गया, तू लिखित में दे नहीं लेगा। बाद में मेरे पापा वकील है, बहुत घर पे बैठे रहते हैं, टेंशन लेने का नहीं, एक हफ्ते बाद मिलते हैं अपन कोर्ट में, उसको करना ही पड़ेगा। कंज्यूमर ने आपके दुकान से लिया है, आपके दुकान से लिया, उसके पास बिल है, हाँ है, दिखा रहा है कि आपके दुकान से लिया गया, तो आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, समझा। आप उसको डिनाय नहीं कर सकते अगर वो उसने प्रोडक्ट लिया है तो। कॉशियस, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं मेरे को मेरे अधिकार पता है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। थर्ड क्या होता है, अगर अगर कोई उसके आपकी बातें नहीं सुनता तो आप क्या कर सकते हो सर, शिकायत कर सकते हो। सर कहाँ करना है शिकायत, कंज्यूमर फोरम में, है ना, कंज्यूमर कोर्ट बोल सकते हैं, लोक अदालत वगैरह भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, इफ आई एम इन स्टारबक्स आई नीड अ कॉफी ऑफ टॉप क्लास, मैं अगर स्टारबक्स में खड़ा हूं मेरे को कॉफी टॉप क्लास की चाहिए, ठीक है, क्वालिटी, बट बिकॉज आई एम पेइंग द मनी, ठीक है, मैं पैसा भर रहा हूं तो मुझे क्वालिटी मिलनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई कोई कंज्यूमर को रहता है कि मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे क्वालिटी रहनी चाहिए, दैट्स इट। कोई रहता है वड़ा पाव खाता है, अरे यार वड़ा पाव बासी है, बोला ऐसा खाना तो खाना, भाई तू खाना तो बोल नहीं सकता तू ऐसा, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तेरा काम क्या है, अच्छा प्रोडक्ट देना, बासी प्रोडक्ट देना नहीं। इसके चक्कर में तेरा एक ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कितने लोगों ने ऐसा कभी किसी के साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि होटल में बैठे हो और वेज में कुछ मंगाया है और प्लेट में नॉन वेज आया है, कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? मान लो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट आज मेरा वेजिटेरियन खाने का मन है और मेरे प्लेट में नॉन वेज आ गया, या मैं खा रहा हूँ बीच में एक नॉन वेज का टुकड़ा आ गया, या नॉन वेज अंडा होता है ना, अंडा होटल में तो ऐसे चलता है, एक ही कढ़ाई में दो दो तीन तीन रेसिपी बनती है, बहुत सारे ऐसे होटलों में होता है, वेज में नॉन वेज आ गया, अब आपका होटल के साथ अच्छा रिलेशन है, आप भड़क सकते हो, लेकिन आप नॉन वेज हो तो आपको एक हिसाब से चल जाएगा आप, लेकिन चाहते हो कि ये गलती सबके साथ ना हो। मानो मैं ऐसे होटल में बैठा जो वेजिटेरियन ही है तो मेरे साथ नॉनवेज का सीन तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग होगा जो प्योरली वेजिटेरियन है और अगर उनके साथ ये इंसिडेंट हो जाए तो होटल बंद कराने की हिम्मत रख सकते हैं। खाली करना क्या है, कंप्लेंट, सिर्फ FSSI का नंबर ढूंढो, कंप्लेंट मारो, विद इन द स्पैन ऑफ 30 days उसका होटल बंद करवा सकते हैं, आपके पास सबूत होना चाहिए, समझा, होटल बंद करा सकते हैं ऐसा अगर, इसलिए बोलते हैं ना अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हो सो आपको कहाँ जाना चाहिए, सिर्फ वेजिटेरियन होटल में जाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप कहीं भी बैठ के खा सकते हो, 30 रुपए में तेरे को नॉन वेज मिल रहा है ना,
होता है ना वेजिटेरियन खाने में कभी कभी नॉन वेज होता है, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन आपके लिए चल जाएगा, आप वो सिचुएशन से उसको समझा सकते भाई ऐसा मत कर, वरना तेरा अगर मैं तो चलो नॉन वेजिटेरियन हूँ आज चलो आ गया चलो नसीब की बात है आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर वेजिटेरियन वाला बंदा आ गया और उसमें अगर नॉन है तो आपका होटल बंद कराने की हिम्मत रख सकता है वो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो किसी किसी को रहता क्वालिटी भाई, पैसा दे रहा तो क्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर बीवेयर ऑफ एग्जीग्रेटेड एडवर्टाइजमेंट, इन शॉर्ट कहा जाए तो वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना शाहरुख खान सलमान खान रजनीगंधा विमल चलता है ना, सलमान का जशन का टशन है ऐसा विमल फेंका जुबा केसरी, ये क्या है व्हाट इज दिस। कंज्यूमर को कंज्यूमर का अधिकार क्या है उसको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट सही कि गलत है। अगर आपको लगता है कि ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है तो आप उसके कंप्लेंट करवा सकते हो कर सकते हो, लेकिन वो विमल वगैरह भी क्यों बच जाते पता है, क्योंकि वो पान मसाला बोल के, और पान मसाला हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है समझा, इसलिए पान मसाला बोल के बच जाते हैं विमल राजश्री शिखर गोवा ये सब ऐसे बच जाते हैं कि हम लोग तो पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट चलाते, ये गोवा गुटका हमको नहीं मालूम। पूरे इंडिया में तकरीबन 5,500 करोड़ की इंडस्ट्री बिस्किट्स की इंडस्ट्री पता है सबको, बिस्किट्स कितने के 5,500 करोड़ की बिस्किट की इंडस्ट्री इंडिया में, और गोवा गुटका की 20,000 करोड़। सोचो बिस्किट खुलेआम बिकती है, ये छुप छुपा के इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो उनके लिए शाहरुख खान सलमान खान को नचाना कौन सी बड़ी बात है। अरे 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़, अरे इनके लिए 100 करोड़ मामूली सी रकम है भाई साहब, इनके लिए सलमान खान शाहरुख खान तो बोलो मत मेरे को, अक्षय कुमार से सब कुछ ही को भी नचा सकते रे समझा। नेक्स्ट डिमांड ऑफ इनवॉइस गारंटी एंड वारंटी कार्ड, अभी आपको इनवॉइस मतलब बिल मांगना चाहिए, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड मांग, वारंटी और गारंटी में क्या फर्क है पता है सबको, अगर कोई प्रोडक्ट है जो वारंटी में आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट खराब होता है तो उसका रिपेयर हो सकता है एंड रिप्लेस, रिपेयर एंड रिप्लेस, पहला रिपेयर, रिपेयर नहीं हुआ तो रिप्लेस, बट गारंटी के अंदर आपका 101% रिप्लेस होगा। ऐसा कोई कोई प्रोडक्ट होता है जो रिपेयरिंग ही नहीं हो रहा तो कंपनी वाला नया बेच के देता है, ऐसा नहीं कि गारंटी में रिप्लेसमेंट होता है, वारंटी में भी रिप्लेसमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो डिफेक्ट है वो माइनर है कि मेजर है, मेजर है टाइम लगेगा तो उन लोग नया प्रोडक्ट ही भेजते हैं, वो खुद अपने पास रख लेते हैं, बट वन टाइम नॉर्मली ऐसा देखा है वन टाइम ही वारंटी पीरियड कवर करते हैं, दूसरी बार में गारंटी रहेगा तो चलता रहता है। बल्ब देखा ना बल्ब एलईडी बल्ब नॉर्मली वारंटी और गारंटी गारंटी वो गारंटी माना जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए रिप्लेस करके, टाइम के पहले गया 1 साल के अंदर तो जाने का और नया लेके आने का तो खराब नहीं करते बैठने का, जैसे मान लो आज तारीख 23/1/2023 है 24 तारीख है ना, और अगले साल 24/1/2024 को तुम्हारा क्या हो रहा है बल्ब खराब हो रहा है यानी वारंटी पीरियड, तो 23 तारीख को मत चालू हो जाना मम्मी ये बल्ब खराब करता है 1 साल और मिलेगा उनको पता चल जाता। प्री प्लान्ड बाइंग, प्री प्लान्ड बाइंग मतलब जाने से पहले सोच लो कि क्या खरीदना है, जाने से पहले सोच लो कि आपको क्या खरीदना है। दुकान पे जाते हैं मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए, गलती से भी दुकान पे आके मोबाइल नहीं खरीदने का, उसके रीजन बताता हूं। जैसे मान लो आपका बजट है 5,000 वाला मोबाइल खरीदने का, ठीक है, दुकान वाला बोलेगा 5,000 ठीक है आपके सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप 2,000 रुपये बजट बढ़ाओ ना एक मस्त फोन आपको दिखाता हूँ बोले तो 2,000 का उसने 7,000 वाला फोन दिखाया मस्त,
और नॉर्मली लोग क्या करते, कैमरा। भाई साहब तुम जहाँ खड़े हो ना उसमें इतनी लाइट है ना, इतनी लाइट है ना, उसमें 1.3 मेगापिक्सल भी है ना HD क्वालिटी में दिखाई देगा। देखा ना दुकान में कितनी लाइट लगी रहती है। फिर जैसे 7,000 तुम्हारा फाइनल हुआ, ये इसमें ना 2 GB रैम है, अगर आप कुछ पैसे बढ़ाओगे ना तो मैं आपको 4 GB रैम वाला फ़ोन दिखाता हूँ। और आप जो खरीद रहे हो ना वो वीवो का, इससे बेटर आप ओप्पो ले लो, आपको पर्सनालिटी का सूट करेगा। तो आपका बजट 5 से एक्स्ट्रा चौके क्या हो गया, 10,000 हो गया, 5 से 10 हो गया, 4,000 वाला जहाँ पे आपको 5 लेना था वहाँ पे 10, बजट डबल। अब आप बजट से बाहर हो गए हो, अब आप बोलते हैं यार मैं तो 5,000 ही लाया हूँ। बोले कोई बात नहीं, EMI है ना। बोले पता करो कितना EMI। बोले सर 2,000 रुपये आपको EMI देना पड़ेगा, बाकी 2,000 आपको पे करना पड़ेगा, 3,000 पे करना पड़ेगा, 6 महीने का करना है तो आपको 3,000 देना है, बाकी का जो 7,000 वो EMI पे देना। बोले ठीक है, 2,000 बचा है ना। अगर आप EMI पे ले ही रहे हो ना तो मैं तो बोलता हूँ एक आप है ना एक काम करो, लेना तो IOQ वाला ले लो, 70,000 का फोन है, 8 GB रैम मिलेगा, 256 का इंटरनल जो स्टोरेज मिलेगा, 3 GB का आपको एक्स्ट्रा रैम एक्सपांडेड करके मिलेगा, उसके ऊपर से 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 25 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा मिलेगा, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। अरे वो नहीं बता के तेरे को कमीशन भी उससे ज्यादा मिलेगा, समझा। तो उसको बोलते पापा बोलते EMI कितना होगा, कैलकुलेटर ला। और उसको पता है 5,000 ही लाया ना, आपका 4,800 आपको अभी देना पड़ेगा, बाकी 6 महीने का EMI। पापा बोले तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी हंसी के लिए तो पापा जान भी कुर्बान कर दे, है ना, तुम खुश पापा खुश, खरीदवा दिए। तो क्या हो गया, आपने सारी प्लानिंग जो करके गए तो धरा धराई रह गई, कुछ ही नहीं। इसलिए कहा जाता है खरीदने से पहले 10 बार सोच लो कि आपको क्या खरीदना है, एंड स्टिक टू द बाइंग प्लान, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आपके साथ मैनिपुलेशन हो सकता है, समझा। यस ऑर नो? और भाई साहब ऑर्गेनाइज एफर्ट तो है ही भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें सेलर और आपका क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप खरीद रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा है, या वो कुछ बेचने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो बेच रहा है लेकिन आप खरीदना, इसमें एक दूसरे का एफर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लो, 2 क्वेश्चन जो अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट्स ऑफ कंज्यूमर और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किसी पेपर में आया हुआ है इस वजह से मैं करा रहा, अदरवाइज कराने का कोई इंटेंशन था नहीं, ठीक है। डिफिकल्टी है इसको, चैप्टर नंबर 7 भी अपना खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कौन सा करेंगे पता है ना, चैप्टर नंबर 8 जो अपना OCA का आखिरी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। एंड इट इज फॉर जैकपॉट चैप्टर इसलिए बोलूंगा क्योंकि 20 में से 15 मार्क का आने वाला है, यानी जिसको अगर OCA आज से प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 ये 2 चैप्टर पे अपनी पूरी जान डाल दे पास। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस स्टडी डिस्टिंग्विश जो कर रहा है करो पहला ही है, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। डिफिकल्टी है चैप्टर में, चलो।